240 का लेवल ये क्रॉस कर रहा है। दीपक नाइट्राइट, इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं, नंबर्स कैसे रहेंगे? आशीष जरा बताइए क्या है एक्सपेक्टेशन? दीपांशु, सभी केमिकल स्पेस की कंपनीज की तरह यहां पर भी अगर आप देखें तो नतीजे जो है थोड़े से कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन की बात करें तो लगभग सपाट ही है, 1961 करोड़ जो है पिछले साल थी रेवेन्यू, जो कि अब बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है कि बिल्कुल 1960 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलेगी। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो नतीजे आपको जरूर कमजोर नजर आएंगे, 15% का ड्रॉप आपको कंपनी के एबिटा में नजर आएगा, 348 करोड़ से घटकर 295 करोड़। और मार्जिन्स की बात करें तो जो 17.7% थे मार्जिन्स, अब वो घटकर 15.1% हो जाएंगे। मुनाफे में भी 17% की गिरावट एक्सपेक्टेड है, 234 करोड़ से घटकर 195 करोड़। दरअसल अगर आप देखें तो इनका जो फिनॉल सेगमेंट है यहाँ पर मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है, रियलाइजेशन घटे हैं तो इसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जो एडवांस इंटरमीडिएट्स हैं इसके सेगमेंट में भी दबाव है, लेकिन आगे जाके फिनॉल की मांग और आउटलुक के ऊपर और साथ में FY25 के लिए कितना केपेक्स करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसके ऊपर काफी फोकस रहेगा। नतीजे कमजोर आएंगे तो चलिए, अच्छे नतीजों की तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कम ही आपको दिख रही है, बट मूव यहाँ पर आपको आ रही है। एक बार केमिकल स्टॉक्स पर चोपड़ा साहब की भी राय ले लेते हैं। चोपड़ा साहब, अगेन वही फिनोमेना है, दो क्वार्टर बाद थोड़ी रिकवरी की आएगी। SRF की कमेंट्री में थोड़ी रिकवरी के इंडिकेशन आए थे, एक दो छोटी कंपनीज के नंबर्स भी थोड़े बेहतर आए थे, बट केमिकल स्टॉक्स पर फिलहाल क्या नजरिया बन रहा है सर? दीप, मुझे लगता है कि केमिकल जैसे टेक्नोलॉजी है सेक्टर, आईटी सेक्टर है, वैसे ही केमिकल अब बहुत ओवर बीटन हो चुका है। इसका कारण ये था कोविड के समय पे जब चाइना में जो प्राइमरी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गए, उसके पश्चात लॉजिस्टिक्स इश्यूज आए और इन सब के चलते हुए जो इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ती चली गई। अभी भी अगर आप APIs की बात करें फार्मास्यूटिकल्स में या जो जो रॉ मटेरियल की बात करें वो चाइना से आता है। अब प्राइसेस गिर गए हैं, जो इन्वेंट्री में जो पाइपलाइन में जो जो प्रोडक्ट था वो बिक गया है या बिकने वाला है या लगभग खत्म है, तो मुझे लगता है ये ओवरहैंग खत्म होने वाला है, या तो हो चुका है या खत्म होने वाला है। यहाँ से केमिकल स्टॉक्स में जो अच्छी पॉजिटिव कंपनीज है जिन पर डेट ओवरहैंग नहीं है, मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए। और अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें या CFCs वाली कंपनी जैसे SRF है या नवीन फ्लोरिन है, बहुत ज्यादा SRF जैसी कंपनीज को अभी पिट चुकी है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं थे मैं मानता हूँ, बट अगेन आने वाली कुछ तिमाहियां अच्छी लगती है तो यहाँ से लेना शुरू करना चाहिए। और नो डाउट अभी जैसे इलेक्शन का वॉलिटैलिटी है ये खत्म हो जाए, अभी इमिडिएटली नहीं लेना, अगले 10 से 15 दिन में, 2 हफ्ते में जब क्लैरिटी आ जाएगी और तब कभी गिरावट में ये स्टॉक्स मिले तो मुझे लगता है लेना शुरू करना चाहिए। जो क्वालिटी कंपनीज हैं केमिकल कंपनीज वो मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ 1 to 2 years बहुत अच्छी लगती है, मगर अभी थोड़ा सा हो सकता है मार्केट में गिरावट हो। अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है वॉलेटैलिटी भी चलेगी, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो और गिरावट में ही स्टॉक्स लें, लंबी अवधि के लिए लें, क्वालिटी कंपनीज खरीदें, मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कमाई की, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कमाई की, थोड़ा इंतजार रखिए, बट नजर रखिए, रेडार पर रखिए, आने वाला समय अच्छा हो सकता है।